जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं, और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्य में जीते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है, किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी रातों रात, कितने करोड़ रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इन जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे जो ये संकट था, जिस संकट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था कि इस संकट से निपटने के लिए वो सभी विधायकों से बात करें, इस सिलसिले में ऑब्जर्वर आए थे। और कई मैंने रूमर देखी कि वो चल रहा है कि इस्तीफा दे दिया, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का फैसला जयराम ठाकुर जी करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर संपर्क है,